हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैं आप लोग से बोला था कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि RBNTPC के 5 हाईएस्ट कट ऑफ जोन कौन से हैं और 5 लोवेस्ट कट ऑफ जोन्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ फ्रेंड्स, जिसका आप लोग का बहुत दिन से डिमांड था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी बात समझिएगा। हो सकता है इसमें लोवेस्ट कट ऑफ जोन्स में आपका ही जोन आ जाए या फिर हाईएस्ट कट ऑफ जोन्स में ही आपका जोन आ जाए, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपको उतना अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन से जोन का कितना कट ऑफ जाता है या फिर इस बार कितना जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है जो पुराने पैटर्न पे जैसे रहता वैसे हमेशा जाए। मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, कुछ जोन्स के कट ऑफ जो है पिछले बार से कम भी जा सकते हैं और कुछ के अधिक भी जा सकते हैं, और कुछ में क्या होगा, किसी कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ जाएगा, किसी कैटेगरी का कट ऑफ घट जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज फॉर्म पढ़ने पे। ठीक है, और इस बार मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस बार 40 मार्क्स वालों को भी सलेक्शन होगा। जी फ्रेंड्स, इस बार जो है अगर किसी का रॉ स्कोर बन रहा है 40 तो भी उसके सलेक्शन के फुल चांसेज है, डिपेंड करता है वो किस जोन से अप्लाई किया है, यानी कि अगर वो लोएस्ट कट ऑफ जोन से है तो 40 पे अपने आप को श्योर माने, भले उसकी कैटेगरी UR हो। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से एग्जाम चला तब से मैं बोल रहा हूँ कि 40 वाले भी अपने आप को श्योर माने, डरे ना और CBT 2 का प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ फ्रेंड, CBT 2 काफ़ी टफ होने वाला है। मैंने पिछले साल CBT 2 दिया था, मुझे मालूम है, जो LPTECH 2018 वाला हुआ था, ठीक है, 2 साल लगभग हो गया। तो CBT 2 का जो मतलब सिलेबस जो होता है पोर्शन लगभग यही होता है, बस क्वेश्चन के लेवल थोड़े से बढ़ जाते हैं और थोड़ा वहाँ स्पीड भी मांगता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ लगातार आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन करें फ्रेंड्स, CBT 1 के चक्कर में ना पड़े। जिनका भी मान 7th फेज नहीं हुआ है उनका भी हो ही जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, CBT 2 आपका, CBT 1 में लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 20 गुना बुलाया जा रहा है। 20 गुना का मतलब है जो जरा सा भी जेन्युइन कैंडिडेट है, जो जरा सा भी सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर के, उसका सिलेक्शन पक्का है CBT 1 में। इसे CBT 1 को लेकर के सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार हम जान लेते हैं कि किसका जोन जो है हाईएस्ट कट ऑफ जोन में आ रहा है और किसका जोन जो है लोवेस्ट कट ऑफ जोन में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इस पे आप लोग का मन ना लगे, मेरी बात थोड़ा विश्वास ना हो, तो ये आपके डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आपके ऊपर कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें नहीं करें। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये बात ऐसा नहीं लगता है, ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स। वैसे नॉर्मली आज तक मैंने जितना भी कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है 95% सही ही हुए हैं, उम्मीद है ये भी सही ही होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ केवल जोन्स की बात करूँ, कट ऑफ की बात नहीं करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बार बार लगातार आपसे चिल्ला रहा हूँ, आपने जो CBT 1 में गलती की CBT 2 में गलती आप ना करें, आप CBT 2 का प्रिपरेशन करें, पूरे मन के साथ प्रिपरेशन करें। भले रिजल्ट अभी नहीं आ रहा, भले अभी 7th फेज नहीं हुआ है, लेकिन आप प्रिपरेशन जरूर करो। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, मॉक अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ आप कम से कम 2 मॉक लगाइए, ठीक है। अगर आप 2 मॉक लगाएंगे तो आपको पेपर के लेवल का अंदाजा होगा कि अगर ऐसा पेपर बनेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ऐसा पेपर बनेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, मैंने फिर आपके लिए एक ऑफर लाया है जो महज कुछ मिनट के लिए बचा हुआ है ऑफर। ये देख रहे हैं यहाँ पे 427 इसका कॉस्ट लिखा हुआ है। ये SSC रेलवे के लिए है, आप स्टेट एग्जाम्स के लिए भी ले सकते हैं, UPSC के लिए ले सकते, किसी भी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं। मैंने SSC रेलवे का ओपन किया हुआ है, अभी 1 घंटे का ऑफर चल रहा है, देख रहे हैं 12:55 मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें कितना टाइम दिखा रहा है बचा हुआ है, ये जो ₹37 एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है ये 59 मिनट्स में ओवर हो जाएगा, यानी कि वीडियो अपलोड करते करते आपके पास केवल आधे घंटे का समय बचेगा, और इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा कि ₹135 में आपको डबल वैलिडिटी के साथ आपको ग्रेड अप का मॉक मिल जाए, वो भी 1/4 रेट पे, लगभग ये 1/4 से भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ 427 लिख रहा है, इसका रेट जो है 699 था ओरिजिनल में, ठीक है, लेकिन घटाया गया है केवल हमारे व्यूअर्स के लिए, केवल हमारे यूजर्स के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसकी सेल बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं बताया था पिछले 1 हफ्ते पहले भी इसको स्टार्ट किया था, 1 हफ्ते में 200 सेल हो चुका है फ्रेंड्स इस मॉक टेस्ट का, और आज इसका लास्ट दिन है, इसलिए आज स्पेशल ऑफर दिया गया। अभी आज 30 अप्रैल तक ये ऑफर रहने वाला है, अदर इसका रेट बढ़ जाएगा, और अभी 1 घंटे के लिए ₹37 का एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है। तो अगर आप लोग इसे अवेल करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। आज आप लोग कोशिश करिए आज 50 सेल हो जाए, 1 हफ्ते में अगर 200 सेल हुआ है तो 1 दिन में 50 सेल करके रिकॉर्ड बना दीजिए, क्योंकि आज स्पेशल ऑफर चल रहा है। अभी तक ये जो 171 बिका है, 194 में बिका है, अब 135 में इसका ऑफर आ गया फ्रेंड्स, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। आप लकी हैं कि अभी तक नहीं लिए थे, अभी आप इसे ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा वीडियो बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूं, ताकि बहुत जल्दी आपके पास ये पहुंच सके और आप इसे खरीद सके, अवेल कर सके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दूंगा, ठीक है। मैं दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए था, ये 40% डिस्काउंट चला ना, पहले 35% था, फिर 40% किया गया है, मतलब हर तरफ से डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है। समझिए ये आपके लिए एक ऑक्सीजन काम करेगा, जैसे आप जान रहे हैं अभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे समय में ये ऑक्सीजन का
ही काम करेगा, इतने कम कॉस्ट में इतना अच्छा पैकेज आपको मिल जा रहा है, इतना अच्छा चीज़ मिल जा रहा है, इतना अच्छा मॉक टेस्ट आपको मिल जा रहा है, आप पूरे मार्केट में कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, इससे अच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा, इससे कम कॉस्ट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर किसी का कॉस्ट कम होगा तो लेवल अच्छा नहीं होगा, अगर किसी का लेवल अच्छा होगा तो कॉस्ट काफ़ी हाई होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इसे आप लोग जरूर लें। यहाँ 12 मंथ्स दिखा रहा है, 12 मंथ्स डबल वैलिडिटी है, 24 मंथ्स का है, ठीक है, रेलवे का भी है, SSC का भी है, आप लोग जरूर इसे खरीदें, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा, आप लोग केवल CBT 2 का प्रिपरेशन करें, और अगर आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन करते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा साबित होगा आपके लिए, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा क्या 5 हाईएस्ट कट ऑफ जोन्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी कट ऑफ नहीं बताऊँगा, केवल जोन्स का चर्चा करूँगा, केवल जोन्स का नाम बताऊँगा कौन कौन से जोन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आप जानते हैं कौन सा आता है, वो आता है चंडीगढ़, जिसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाला है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, इसका कट ऑफ जो है 65 से 70 के बीच रहने वाला है, और इस बार किसी भी जोन का कट ऑफ 70 प्लस नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि सर वैकेंसी अधिक है, ठीक है, फॉर्म कम पड़े हैं, कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। इस बार जो आपका चंडीगढ़ कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाईएस्ट जोन में रहने वाला है, जिसका UR के लिए वो 65 से 70 के बीच रह सकता है, और इसी के साथ चेन्नई भी हाईएस्ट जोन में रहने वाला है, ये भी आपका 65 से 70 के बीच रह सकता है, यानी दो जोन आपके हाईएस्ट वाले हो गए अभी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, और मान लीजिए सिकंदराबाद एक हो गया आपका तीसरा जोन, सिकंदराबाद भी 65 से 70 के ही बीच रहने वाला है। चौथा सिलीगुड़ी, ये भी आपका 65 से 70 के ही बीच रहने वाला है, ठीक है। ये मैं अभी UR की केवल बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल कट ऑफ वीडियो भी कुछ देर बाद लाऊंगा, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना रखा है। मैं केवल हर एक जोन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताते जाऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने पुराने वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हो गया सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, और फिर पांचवा बस्ता आपका थिरुअनंतपुरम, या इसका भी आपका 65 से 70 के बीच ही रहने वाला है UR कट ऑफ। कौन कौन से 5 जोन हो गए फ्रेंड्स, चंडीगढ़, चेन्नई, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और थिरुअनंतपुरम। तो ये हो गए हाईएस्ट कट ऑफ जोन्स। अगर आपने यहाँ से अप्लाई किया है तो आपको मान के चलिए कम से कम 55 लाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे चांस बन सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए बाई चांस आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नहीं बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं शुरू से कह रहा था, अगर आपका स्कोर 55 है तो आप अपने आप को श्योर मान के चले, उतना तो बढ़ ही जाएगा हर हाल में, और अगर आप मान लीजिए प्रिपरेशन नहीं करते तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर लोवेस्ट कट ऑफ जोन से आपने अप्लाई किया है तो आपका 40 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, CBT 1 आपका क्लियर हो सकता है। अब हम बात करें फ्रेंड्स लोवेस्ट कट ऑफ जोन का, तो सबसे पहला नाम आता है इसमें फ्रेंड्स अहमदाबाद। इस बार अहमदाबाद कट ऑफ थोड़ा कम जाने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि फॉर्म थोड़े कम पड़े हैं और वैकेंसी थोड़ी यहाँ पे अधिक है, ठीक है। तो पहला हो गया अहमदाबाद, दूसरा नाम फिर आपका आएगा फ्रेंड्स बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर बहुत ज़्यादा कम जाने का चांसेस नहीं है, फिर भी थोड़ा लोएस्ट कट ऑफ जोन में रहने वाला है, ठीक है। और सबसे कम तो जाता है हमेशा आपका मुजफ्फरपुर का, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर आप भूल नहीं सकते हैं, मुजफ्फरपुर हो गया, फिर आपका चौथे नंबर पर जम्मू हो गया, फिर पाँचवा आपका कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन कौन सा, अहमदाबाद, बिलासपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, जम्मू और पटना, और छठे नंबर पे आप रांची भी मान सकते हैं कि इसका भी कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है। इन सबका जो UR का कट ऑफ है 55 से 60 के बीच रहेगा, और बाकी जो एवरेज जोन्स के कट ऑफ हैं वो 60 से 65 के बीच रहने वाले हैं। अभी मैं जोन वाइज लेकर के आने वाला हूँ वीडियो, पहले आप सिर्फ जो मैं कहा वो जल्दी करिए, ऑफर लिमिटेड है, लगभग आधे घंटे बचे हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप सोच लीजिए आप कितना जल्दी से खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं हर जगह प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी, और बाकी इसका डिटेल्स तो आप देख ही रहे इसमें क्या क्या है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप देख लो 135 में तो कुछ नहीं मिल सकता है, बिल्कुल समझिए ऑक्सीजन का ही काम कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।